दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में। तहरीर अनीस अमरोही की है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता के एक मतवस्सित खानदान में 30 सितंबर 1922 ईस्वी को ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ऋषिकेश मुखर्जी ने साइंस बायोलॉजी के मजामीन के साथ ग्रेजुएशन किया और लड़कियों के एक स्कूल में टीचर हो गए। उनके दादा को ये बात अच्छी नहीं लगी। उनका ख्याल था कि लड़कियों की कुर्बत से ऋषिकेश बिगड़ जाएगा और उसका मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा दादाजी का हुक्म मानते हुए उन्होंने मुलाजमत तर्क कर दी और वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के लिए लिखने का काम करने लगे। उधर दादाजी भी उनके लिए ज़ोर शोर से मुलाजमत की तलाश कर रहे थे। 6 माह के बाद ही उन्होंने कलकत्ता के न्यू थिएटर में ऋषिकेश मुखर्जी के लिए मुलाजमत तलाश कर ली और ऐसे वक्त में जब फिल्मों से वाबस्तगी को मायूब समझा जाता था, खुद उनके दादाजी ने ऋषिकेश से स्कूल की बाइज्जत मुलाजमत छुड़वा कर फिल्म स्टूडियो की लैब में मुलाजिम करवा दिया। 1 अप्रैल 1945 ईस्वी को ऋषिकेश मुखर्जी न्यू थिएटर में लैब असिस्टेंट बने और फिल्मी दुनिया का उनका 50 साल का लंबा सफ़र शुरू हो गया। न्यू थिएटर के लैब असिस्टेंट के बतौर 60 रुपये माहवार की मुलाजमत के साथ फिल्म एडिटर बी.एन. सरकार के साथ उन्होंने एडिटिंग का काम भी सीखा और 2 बरस बाद ही 1947 ईस्वी में उन्हें आज़ादाना तौर पर एक बंगाली फिल्म तथापि की एडिटिंग का मौका मिला और वो मकबूल हिदायतकार बिमल रॉय के मुआविन और उनकी फिल्मों के मुस्तकिल एडिटर बन गए। 1951 ईस्वी में जब बिमल रॉय कलकत्ता से बम्बई आए तो ऋषिकेश मुखर्जी भी बम्बई आ गए। यहाँ सबसे पहले बम्बई टॉकीज़ की फिल्म माँ बिमल रॉय को मिली और उसकी एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने की। इसके बाद फिल्म 2 बीघा ज़मीन की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी। इस फिल्म की तकमील के दौरान वो हिदायतकार बिमल रॉय के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे और फिल्म के एडिटर भी। इसी दौरान वो बिमल रॉय के साथ एक फिल्मी तकरीब में सोवियत यूनियन भी गए। उसके बाद फिल्म मधुमती तक बिमल रॉय की तमाम फिल्मों की एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी ने ही की। खुद बिमल रॉय भी कैमरामैन से हिदायतकार बने थे और ऋषिकेश मुखर्जी लैब असिस्टेंट से एडिटर और फिर हिदायतकार और फिल्मसाज बने। राजेंद्र सिंह बेदी भी अपनी फिल्मों की एडिटिंग ऋषिकेश मुखर्जी से ही करवाया करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी बम्बई के अंधेरी इलाके के एक कमरे के मकान में रहा करते थे। उस वक्त वो सिर्फ बिमल रॉय के मुआविन हुआ करते थे। बम्बई में उनकी दोस्ती दिलीप कुमार से हो गई, जो उम्र में उनसे सिर्फ 2 साल छोटे थे और अक्सर ऋषिकेश के अंधेरी वाले किराए के कमरे पर आया करते थे। 1957 ईस्वी में दिलीप कुमार के मशवरे पर ही उन्होंने फिल्म मुसाफिर की हिदायतकारी की जिम्मेदारी संभाली। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के साथ एक गीत भी गाया था और बगैर कोई मुआवजा लिए काम किया था। फिल्म मुसाफिर की नुमाइश के साथ ही इस नौजवान हिदायतकार के अलग तर्ज व अंदाज का अंदाज़ा हो गया था। इस फिल्म में उन्होंने अलग किस्म का एक तजर्बा किया था। 3 मुख्तसर कहानियों को जोड़कर ये फिल्म बनाई गई थी। तीनों कहानियों के मूड अलग अलग थे, मगर एक ही लोकेशन थी, जो एक किराए का मकान था। तीनों कहानियाँ उस एक मकान में एक के बाद एक रूनुमा होती हैं। हिदायतकार ने इस लोकेशन को एक वसी इस्तियारे के तौर पर इस दुनिया की अलामत बनाकर पेश किया था और किराएदार इस दुनिया में आते जाते इंसान थे, जो दुख सुख, खुशी और गम, हर तरह के एहसासात से गुजरते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी का अपनी बात को समझाने का अंदाज़ बिल्कुल आसान था, मगर असरदार भी था, जो लोगों को हंसाता भी था और रुलाता भी था। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ सुचित्रा सेन हीरोइन थी, साथ ही उषा किरण, डेजी ईरानी, किशोर कुमार, निरूपा रॉय और नज़ीर हुसैन भी ख़ास किरदारों में थे। ये फिल्म और इसका पेश करने का अंदाज़ फिल्म शायकीन को बहुत पसंद आया। इस फिल्म को नेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने दिलीप कुमार के इसरार पर ही राज कपूर की फिल्म अनाड़ी की हिदायत की। बाद में ऋषिदा और राज कपूर की दोस्ती का ये आलम था कि वो चाहते हुए भी राज कपूर को अपनी फिल्म आनंद में नहीं ले पाए, क्योंकि वो अपने दोस्त को फिल्मी जिंदगी में भी मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। आनंद, मैं मरना नहीं चाहता,
मुझे बचा लीजिए, बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिल्म अनाड़ी 1959 ईस्वी में रिलीज हुई और इस फिल्म को बेहतरीन हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। अमीर हीरोइन और गरीब हीरो नूतन और राज कपूर की प्रेम कहानी को ऋषिकेश मुखर्जी ने कई नए अंदाज देकर एक अलग ही किस्म की फिल्म बनाई थी। किरदारों के आपसी ताल्लुकात, सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ के पहलुओं को नहायत सादगी और दिलचस्पी से पेश किया गया था। फिल्म अनाड़ी की कामयाबी के बाद उन्हें कई बड़े बजट की फिल्मों के ऑफर आए, मगर वो फिल्में उनके जहन से मेल नहीं खाती थीं। उन्होंने कलकत्ता वापस जाने के बारे में भी सोचा, मगर बलराज साहनी ने उन्हें रोक लिया और उनसे अपनी फिल्म अनुराधा डायरेक्ट कराई। इस तरह 1960 ईस्वी में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अनुराधा पेश की। चोरू का गुलाम, एक हमें डॉक्टर साहब बीवी दर्द से चिल्लाती रहे चाहे रात भर मरती रहे, पलट के भी नहीं देखते। इसको कहते हैं मर। ये तुम्हें माथे पर क्या हुआ? डॉक्टर साहब, तो साहब तुम्हें खिड़की हो गई थी, उसने प्यार से चिमटा मार दिया। अच्छा, खूब प्यार है। एक औरत के ईसार और जज्बे कुर्बानी को अपने मखसूस अंदाज में पेश करने के साथ मौसीकार रवि शंकर की मौसीकी की वजह से भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। दिल का साथ हम गीत गाने आ गए। बलराज साहनी, लीला नायडू की बेहतरीन अदाकारी से सजी इस फिल्म को सदर जमहूरिया का सोने का तमगा पेश किया गया। अब ऋषिकेश मुखर्जी की हिदायतकार के तौर पर एक खास पहचान बन गई थी और उनके अंदाज और तर्ज को लोग पहचानने लगे थे। इस दरमियान उन्होंने अशोक कुमार प्रोडक्शन की फिल्म परिणीता की एडिटिंग भी की। इस फिल्म में अशोक कुमार के साथ मीना कुमारी ने अपनी जज्बाती अदाकारी से इस फिल्म को बेमिसाल बना दिया था। दिलीप कुमार और राज कपूर के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने 1962 ईस्वी में देवानंद के साथ अदाकारा साधना को लेकर फिल्म असली नकली बनाई। इस फिल्म में अदाकारा संध्या रॉय ने भी अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। इस तरह ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने जमाने के फिल्मी दुनिया के तीन अहम सुतून दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को अपनी हिदायतकाराना सलाहियतों से फैजियाब किया। इसके बाद फिल्म छाया, मेम दीदी, आशिक, सांझ और सवेरा और दो दिल के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने 1966 ईस्वी में फिल्म अनुपमा पेश की। इस फिल्म में मुकालमे कम थे, मगर धर्मेंद्र का अलग किस्म का किरदार ही इस फिल्म की खसूसियत थी और बाप बेटी के दरमियान की नफसियाती उलझने सुलझाने की दिलचस्प और आसान सी कोशिश की गई थी। माँ ने भेजा है आप लोगों की खोज खबर लेने को और मैं आया हूँ अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने। आपके वो फूल मुझे मिल गए थे। आप अच्छी हैं ना? वैसे मैं खबर लेने आया था, वो तो मिल गई, तो फिर मैं चलूं? आप कहें तो मैं बैठ भी सकता हूँ। इस फिल्म को सिल्वर मेडल अता किया गया। फिल्म अनुपमा के बाद बीवी और मकान और फिर मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नॉवेल पर मबनी फिल्म गबन और उसके बाद फिल्म मंजली दीदी ऋषिकेश मुखर्जी ने पेश की। 1968 ईस्वी में ऋषिकेश मुखर्जी की एक अहम फिल्म आशीर्वाद नुमाइश के लिए पेश की गई और इस फिल्म को भी सिल्वर मेडल अता किया गया। ये फिल्म शायराना अंदाज के बाप और उसकी बेटी के हसास रिश्तों की सच्चाई का एहसास कराती है। इसके फौरन बाद 1969 ईस्वी में फिल्म सत्यकाम और 1970 ईस्वी में फिल्म आनंद को भी सिल्वर मेडल अदा किया गया। फिल्म सत्यकाम का हीरो धर्मेंद्र न सिर्फ अपनी बदचलन बीवी के किरदार की इसलाह करता है, बल्कि समाज में हर तरफ बढ़ती हुई बदउनवानियों के खिलाफ भी लड़ता है। ऋषिदा खुद भी आज़ादी के बाद मुआशरे में फैलती बदउनवानियों से बहुत फिक्रमंद रहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने दिल की वो सब बातें धर्मेंद्र के किरदार के जरिए समाज के सामने रखी हैं। धर्मेंद्र ने भी इस किरदार में अपनी अदाकाराना सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अलग अंदाज से फिल्म बीनों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। इसी तरह फिल्म आनंद में कैंसर का मरीज राजेश खन्ना अपनी जल्द आने वाली मौत से वाकिफ होते हुए भी खुशियां बांटता फिरता है और उम्मीद पर कायम रहने का पैगाम दे जाता है। इस फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने जज्बात की ऐसी अक्कासी की थी कि जब फिल्म राजेश खन्ना की माँ ने देखी तो वो खुद फिल्म में राजेश खन्ना की मौत के मंजर को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गईं। बाद में उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया।
फिल्म आनंद से अमिताभ बच्चन पर बाबू मोशाई की ऐसी मुहर सख्त हुई कि लोग आज भी अमिताभ बच्चन को उसी नाम से याद करते हैं। फिल्म आनंद के इसी ख्याल को फिल्म मिली में ऋषिकेश मुखर्जी ने अदाकारा जया भादुड़ी के जरिए मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया। फिल्म सत्यकाम ने धर्मेंद्र और फिल्म आनंद और नमक हराम ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को मकबूलियत और शोहरत के सुनहरे दरवाजे पर ला खड़ा किया। रिशिदा के साथ खास बात यह थी कि हिदायतकारी करते वक्त उन्होंने अपनी तहजीब, ख्यालात और रस्म व रिवाज के साथ कभी कोई समझौता नहीं होने दिया और ना ही उनसे कभी कोई बेजा फायदा उठाया। उन्होंने हमेशा सादगी के साथ जज्बाती फिल्में बनाई जिनमें वो जमीन से जुड़े एक आम आदमी के मसाइल को उठाते थे। 1971 ईस्वी में ऋषिकेश मुखर्जी ने एक और बेहतरीन फिल्म गुड्डी के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में जया भादुड़ी जैसी मुकम्मल अदाकारों को रोशनास कराया। तालिब इल्मी के ज़माने में फिल्मों और फिल्मी अदाकारों के लिए नौजवानों में जो दीवानगी होती है उसको मौजू बनाकर बड़ी आसानी से उन्होंने ये पैगाम आवाम तक पहुँचा दिया कि ये लोग भी हमारी और आपकी तरह ही आम इंसान होते हैं। दिलीप कुमार, बाप रे, क्यों? यानी कि पिक्चर तो अच्छी रहेगी लेकिन बहुत स्लो स्लो चलेगी। शाहिन शाह आजम सलीम हिंदुस्तान के तख्त के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। आप मुझे जिंदा दफना सकते हैं लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने नए जमाने के अज़दवाजी रिश्तों में फनकाराना अना को मौजू बनाते हुए 1973 ईस्वी में फिल्म अभिमान पेश की जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ने अपनी बहुत ही जज्बाती और गैरतमंद किरदारों के जरिए इस नफ्सियाती मसले को बहुत ही हसास अंदाज में पेश किया। मगर ये अंदाज खुद ऋषिकेश मुखर्जी का पैदा करता है। उन्होंने आम फिल्म बीनों के जज्बात की हमेशा कदर की और उनकी दिलजोई को भी मलहूज रखा। साल 1973 ईस्वी में ऋषिकेश मुखर्जी ने आलमी शोहरत याफ्ता नाटक बैकेट फर्म पर अपनी फिल्म नमक हराम बनाई जिसमें ज़िंदगी की दो सच्चाइयों के दरमियान संघर्ष की दास्तान बयान की गई है। मालिक और नौकर, ये ऐसी दो सच्चाइयां हैं जिनमें दोस्ती और मोहब्बत के जज्बे भी मांद पड़ जाते हैं। इसी तरह समाजवाद और सरमायादाराना निज़ाम की बड़ी उम्दा कासी इस फिल्म में हुई है। एक मामूली से कलाकार की धमकी दे जाओ आप। विकी, बिजनेस में जोश और गुस्से से काम नहीं चलता। ये वो जद्दोजहद है जो सदियों से इन दोनों कौमों में होती आ रही है और होती रहेगी। इसे जीतने के लिए तुम्हें रोज नए नए उपाय सोचने होंगे। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की स्टार वैल्यू को भी इस फिल्म में तोला गया था। 1973 ईस्वी में ही ऋषिकेश मुखर्जी ने अदाकारा रेखा को लेकर फिल्म नमक हराम पेश की और फिल्म बीन ये देखकर हैरान रह गए कि सेक्स बम कही जाने वाली रेखा को उन्होंने बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया और उसकी अदाकाराना सलाहियतों को निखार कर बाद में फिल्म आलाप और खूबसूरत में भी उसके बेहतरीन किरदार पेश किए। फिल्म खूबसूरत की शूटिंग उन्होंने अपने घर में ही की थी ताकि फनकारों को घर का सा माहौल मैसर हो और वो अपनी बेहतरीन अदाकाराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकें। रेखा को वो चिन्ना पन्नू यानी छोटी बेटी कहकर बुलाते थे। रेखा ने बासलाहियत फनकारा के बतौर अपनी पहचान ऋषिदा की फिल्मों से ही बनाई थी। इसके बाद हल्की फुल्की खुशगवार कॉमेडी के साथ ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिल्म चुपके चुपके 1975 ईस्वी में पर्दा सीमी की जीनत बनी। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की उसी रवायत पर मबनी थी जो वो गोलमाल, रंग बिरंगी और खूबसूरत जैसी फिल्मों में पेश कर चुके थे। मगर यहाँ एक बहुत संजीदा मामले को उन्होंने बहुत सलीके से मिजाह के रूप में पेश किया। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना तुमने? जी श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहेब। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहेब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहेब। सी यू टी कट है तो पी यू टी पुट, टी ओ टू डी ओ डू किंतु जी ओ गो हो जाता है। आप ही बताइए मैम साहब, जब टी ओ टू डी ओ डू तो जी ओ गो क्यों नहीं होता? वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है बहुत अच्छे हाँ। गाड़ी के डिफरेंशियल में लफड़ा है, गाड़ी नहीं चलेगी। साहब आ गया हो तो परीक्षण निरीक्षण कर लूं? हाँ करो करो। बाप रे, एक लफड़ा कहता है दूसरा परीक्षण निरीक्षण, लगता ही नहीं कि एक ही गाड़ी की बात हो रही है। तुम्हारी तो भाषा ही नष्ट हो गई है बंबई में रहकर। नष्ट नहीं साहब, भ्रष्ट कहिए, भाषा भ्रष्ट हो गई। अब कोई कष्ट नहीं साहब,
तेल छन्नी अर्थात जिसे आप ऑयल फिल्टर कहते हैं उसका पेज ढीला हो गया था, कस दिया है, ध्वनि बंद। साहेब हम जरा हस्त प्रक्षालन करके आते हैं। हाँ जाओ जाओ जाओ, हाथ धोकर आता है। जानती हूँ, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए साहेब। अरे क्या हुआ? ये देखिए, 4 रुपया खर्च करके अंग्रेजी की पुस्तक लाए थे, सोचा था आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें, परंतु ये भाषा तो बहुत ही छल करती है साहेब। एनओ नो, ये NOW भी नो, आया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल, ये उचित तो नहीं है साहेब। आगे देखिए, तू के लिए भी यू, तुम के लिए भी यू, आप के लिए भी यू, छोटे बड़े में कोई अंतर ही नहीं। अंग्रेजी में ऐसा क्यों होता साहेब? मैं जरा विश्राम कर लूं। हाँ साहेब अवश्य विश्राम कीजिए। साहेब एक तुच्छ प्रश्न है। क्या? ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से, मेरा मतलब पा से शुरू होता है, ऐसे ही थाइसिस भी पी से आरंभ होता है, तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी लंबी फिल्मी जिंदगी में कई अदाकारों को एक नई समत और रफ्तार अता की है। राजेश खन्ना के फिल्म आनंद, बावर्ची और नमक हराम जैसे किरदारों को पेश करने में ऋषिकेश मुखर्जी का ही कमाल है। फिल्म आनंद के ज़माने से ही ऋषिदार ने राजेश खन्ना का नाम पिंटू बाबर रखा था और वो आखिर तक उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। इसी तरह एक्शन फिल्मों में ज़ाया हो रहे संजीव कुमार की सलाहियतों को उन्होंने फिल्म आशीर्वाद के छोटे से किरदार में बड़ी खूबी के साथ पेश किया। आगे चलकर संजीव कुमार की इन्हीं सलाहियतों को फिल्म साज और हिदायतकार गुलजार ने फिल्म कोशिश, परिचय, आंधी और मौसम में और रमेश सिप्पी ने फिल्म शोले में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया। फिल्म अर्जुन पंडित में संजीव कुमार के लिए जो गुंजाइश ऋषिकेश मुखर्जी ने पैदा की है वो यादगार बन गई है। धर्मेंद्र, जो कभी अपनी अदाकाराना सलाहियतों से नहीं पहचाने जाते थे, उनको भी ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अनुपमा, सत्यकाम और चुपके चुपके में उजागर किया है। ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म सत्यकाम में अशोक कुमार के किरदार को जिस बुलंदी पर पहुंचाया है वो भी उनकी हिदायतकाराना सलाहियतों का कमाल है। जया भादुड़ी के किरदार को एक ख़ास इमेज से निकालकर जिस तरह एक नई इमेज गुड्डी में ऋषिकेश मुखर्जी ने पैदा की है, उसकी यादें आज भी फिल्म बीनों के जहनों में मौजूद हैं। उनके साथ काम करना सभी फनकार अपनी खुशनसीबी समझते थे, क्योंकि उनके किरदार जिंदगी से भरपूर होते थे। यही वजह है कि सुपरस्टार से लेकर कतार के आखिर में खड़ा हुआ कोई भी फनकार उनकी फिल्म में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ऋषिकेश मुखर्जी ने हमेशा लीक से हटकर ही फिल्में बनाईं, मगर कई बार उन्होंने फिल्म साज की मर्जी के मुताबिक भी फिल्में बनाईं जिनमें उनका अपना रंग कहीं गुमसा हो गया। इस बात का एतराफ़ वो खुद भी खुले दिल से करते थे कि उनकी इस तरह की फिल्में नाकाम हुईं और उनके नाम और काम को नुकसान पहुँचा। उनका मानना था कि अपनी पहली ही फिल्म मुसाफिर से उन्होंने अलग किस्म की फिल्में बनाने की ठान ली थी, लेकिन बीच बीच में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो फिल्मसाजी की बेमकसद और बेहुदा दौड़ में खुद भी शामिल हो गए हैं। और जब भी उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने खुद को संभाला और अपनी मर्जी के मुताबिक फिल्मों की तश्कील की। ऋषिकेश मुखर्जी ने 1975 में फिल्म झूठी पेश की और इसके बाद अपनी मुसलसल बीमारी के सबब वो कोई फिल्म ना बना सके। 1998 में उन्होंने अनिल कपूर और जूही चावला को लेकर फिल्म झूठ बोले कौवा काटे पेश की, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। अपने उस्ताद बिमल रॉय के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषिकेश मुखर्जी भी अपनी फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी आवाम को कोई पैगाम या तहरीक देने की कोशिश करते थे। उन्होंने आर्ट और कमर्शियल सिनेमा को दरमियान का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कामयाब भी रहा और मकबूल भी। अपनी आखिरी फिल्म झूठ बोले कौवा काटे से पहले उन्होंने धर्मेंद्र के साथ एक फिल्म लाठी बनाने का ऐलान किया था। इस फिल्म के एक या दो शेड्यूल की शूटिंग भी की गई थी, मगर इसके बाद कुछ वजूहात से ये फिल्म डिब्बों में बंद होकर रह गई। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी तकरीबन 50 साल फिल्मी ज़िंदगी में कुल 42 फिल्मों की हिदायत दी और कई फिल्मों का स्क्रिप्ट भी खुद ही तैयार किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने दूरदर्शन के लिए भी कई सीरियल बनाए या उनकी हिदायत की है। हम हिंदुस्तानी, धूप छाँव, तलाश, रिश्ते और उजाले की ओर ऐसे ही चंद प्रोग्राम हैं जिनमें ज़माने के साथ चलते हुए उन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी है। दरअसल सस्ती शोहरत और तिजारती मुकाबले के इस दौर में जिस किस्म की सीरियल्स की रवायत कायम हो गई है, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बासलाहियत हिदायतकार की आज भी ज़रूरत है, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि जो मुआशरे के लिए भी अपने ज़हन दिल में एक ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी एक नेक दिल इंसान थे और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो शुरू से आखिर तक एक जैसे रहे और वक्त के नशेब व फराज भी उनमें कोई तब्दीली पैदा ना कर सके। उनकी फिल्में भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी की तरह साफ़ सुथरी और बामकसद ही रहीं।
ऋषिकेश मुखर्जी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन बनाए गए और फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर के ओहदे पर भी फाइज रहे और उनके दौर में मुतज़क्कर इदारों में बड़ी खूबी से काम चला। हालांकि बाद में उनको कई फिल्मी ओहदों के लिए पेशकश की गई मगर उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ मुस्तरद कर दिया। 1966 ईस्वी में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुपमा को प्रेसिडेंट का गोल्ड मेडल मिला। 1968 ईस्वी में फिल्म आशीर्वाद और 1969 में फिल्म सत्यकाम और फिर 1970 ईस्वी में फिल्म आनंद को बेहतरीन इलाकाई फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म अनुराधा को भी प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के एजाज से नवाजा गया था। 18 सितंबर सन 2000 ईस्वी को साल 1999 का फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी एजाज दादा साहब फाल्के अवार्ड उस वक्त के सदर जमहूरिया हिंद जनाब के आर नारायणन के हाथों ऋषिकेश मुखर्जी को पेश किया गया। 2001 में सरकार की तरफ से उनको पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। उनकी 14 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई। अपनी जिंदगी के आखिरी चंद वर्षों में ऋषिदा मुंबई के अपने घर पर तकरीबन अकेले ही रहते थे। सबसे पहले उनकी अहलिया ने दागे मुफारकत दिया, फिर उनका एक भाई चल बसा और जून 2000 ईस्वी में ऋषिदा का छोटा बेटा संदीप मुखर्जी, जो छोटी कॉरपोरेट और दस्तावेजी फिल्में बनाता था, के अचानक इंतकाल की वजह से वो टूट कर रह गए। संदीप ट्रेन से दिल्ली जा रहा था कि रास्ते में दमे का हमला हुआ और वो जहाँ बरना हो सका। उनका बड़ा बेटा अमरीका में साइंसदान है। ऋषिदा अपनी तवील बीमारी, खासतौर पर घुटनों के दर्द की वजह से लंबे अरसे तक फिल्म मेकिंग से दूर रहे, मगर वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनकी ज़िंदगी का महासिल हो और सदियों तक के लिए यादगार बन जाए। वो अपनी तर्ज और अपने मेयार के मुताबिक ही नए ज़माने के तौर तरीक़ों से जुड़ना चाहते थे। ऋषिकेश मुखर्जी को 6 जून 2006 ईस्वी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो कई माह से बीमार चल रहे थे और जिगर की खराबी की वजह से उनके गुर्दे भी मुतासिर हो गए थे और वो मुस्तकिल बीमार थे। 27 अगस्त 2006 ईस्वी की शाम अस्पताल में ही ऋषिकेश मुखर्जी ने 4:40 पर आखिरी सांस ली और बहुत सी कामयाब और बामकसद फिल्मों का ये खालिक अपने खालिक हकीकी से जा मिला। उनका बेटा अमेरिका में था, लिहाजा उनके आने के बाद ही 29 अगस्त को हजारों पूर्णम आंखों की धुंधलकी छाँव में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं।